पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसका कुछ पावर्स के बारे में हम लोग इसके पहले वीडियो में देखे पढ़े थे. नाउ नेक्स्ट इज गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन का एक गार्डियन है. क्यों? क्योंकि ये किसी को अलाउ नहीं करता कि कॉन्स्टिट्यूशन का रूल ब्रेक करे या अपने मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज करे इस तरह से. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जैसे कोई भी लॉ पास हुआ पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या विधानसभा, और सपोज वो लॉ बन भी गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये लॉ गलत है लोगों के लिए या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो उस लॉ को बोल सकता है कि ये लॉ हटाओ. तो इट विल इमीडिएटली सीज टू एग्जिस्ट, वो लॉ हट जाएगा. इसी को जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं. इट प्रोटेक्ट्स एंड एनफोर्सेस द राइट्स ऑफ पीपल. सो ये तो समझ में आया कि कितना सारा इसका फंक्शन है. और इसका सबसे मेन काम है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को वॉच करना कि गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, इस तरह से. नेक्स्ट इज हाई कोर्ट. हाई कोर्ट एक स्टेट के लिए सबसे बड़ा कोर्ट होता है. ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है. इट इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम. कॉम्पोजिशन मतलब हाई कोर्ट के मेंबर्स, जजेस को कैसे सिलेक्ट किया जाता है. इसमें भी एक चीफ जस्टिस है जो हाई, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है और हेड है, और दूसरे जजेस होते हैं. कितना जज होगा ये डिपेंड करता है कि स्टेट कितना बड़ा है और पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है. जो हाई कोर्ट का हेड होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट. जैसे वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट का हेड कौन होगा, तो वो वेस्ट बंगाल का गवर्नर, प्रेसिडेंट और सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये लोग मिलकर डिसाइड करेंगे. और बाकी जजेस को अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी हेल्प करता है. क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन एन एडवोकेट इन और मोर हाई कोर्ट्स, इन वन और मोर हाई कोर्ट्स फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, मतलब कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक एडवोकेट के तौर पर हाई कोर्ट में, और होल्डर ऑफ अ जुडिशियल ऑफिस इन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. मतलब किसी भी कोर्ट में 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी हाई कोर्ट का जज के लिए अपॉइंट किया जा सकता है. एमोल्यूमेंट्स, क्या क्या बेनिफिट मिलता है? सैलरी है फिक्स्ड 2.5 लाख पर मंथ, और बाकी जज, चीफ जस्टिस को 2.5 लाख मिलता है और बाकी जजेस को 2.25 लाख. और इसके साथ फैसिलिटीज जैसे फ्री में कार मिलता है, ऑफिशियल कार, फ्री रेसिडेंस एंड अदर अलाउंसेस, ट्रैवल, पेंशन, ये सब जो भी होता है. टेनवर एंड रिमूवल, 62 ईयर्स के बाद वो लोग रिटायर करते हैं. जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द सेम मैनर एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थ्रू इम्पीचमेंट. तो जज को हटाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस यूज करना होगा. अनलाइक द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज मे प्रैक्टिस इन एनी हायर कोर्ट बट नॉट बिफोर एनी लोअर कोर्ट और इन द सेम हाई कोर्ट. सपोज हाई कोर्ट से कोई जज रिटायर हुआ है, तो अब वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में वो एडवोकेट का काम कर सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए अपॉइंटमेंट कर के लिए अपील कर सकता है. लेकिन वो हाई कोर्ट से नीचे के कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, सिविल कोर्ट हुआ, इन सब में वो काम या प्रैक्टिस नहीं कर सकता है. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का क्या अलग अलग फंक्शन हुआ? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट इज़ वेरी लिमिटेड. ओके, आई विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो.